और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और बात करें डेली इंसाइडर की, तो डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा इस वक्त बरेली में चल रही है। बरेली के नवाबगंज में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है? बहुजन समाज पार्टी के संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है नवाबगंज सीट को जीतने की, किस तरीके की तैयारियाँ हैं चुनावी माहौल को देखा जाए तो? चुनाव बढ़िया चल रहा है हमारा, और जब से हमने नामिनेशन कराया है परसों वाले दिन से चुनाव बहुत शवाब पे आ गया है। पूरे समीकरण हमारे पक्ष में हैं और हम चुनाव जीतने की पूरे 100% स्थिति में हैं। सर, देखा जाए तो इस बार डिजिटली प्रचार की बात कही जा रही है कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, क्या लगता है इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? नहीं, यहाँ पर तो इसका इफेक्ट तो पड़ना चाहिए लेकिन इतना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग तरस आ चुके हैं। यहाँ के जो विधायक रहे हैं पिछले 25 साल से उसको उनसे इतना परेशान हो चुके हैं वो लोग कि वो यहाँ पर करीब 80-90% पोलिंग करेंगे। जी, पोलिंग की बात कर रहे हैं सर, आपके सामने जो है समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, इन सबसे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? हमारी पार्टी का बोर्ड जो है यहाँ पर लगभग 70,000 बोर्ड है, और यहाँ पर जो मुस्लिम बोर्ड है वो लगभग 1,50,000 बोर्ड है, और टोटल बोर्ड करीब 3,40,000 है। तो समीकरण पूरे हमारे पक्ष में है, बड़ा उत्साह है लोगों को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और मुस्लिम समाज को, तो हम 100% जीतने की स्थिति में हैं। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी का शासनकाल हम लोगों ने देखा है, ढंग से देखा है, अब क्यों ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के लिए मायावती जी, क्या कहना चाहेंगे? लैंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, प्रदेश के अंदर लैंड ऑर्डर का बिल्कुल धज्जी उड़ा रखी है, विकास का नाम कुछ ही नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने जब गवर्नमेंट रही है तो उन्होंने अपना परिवार बात के लिए ही काम किया है, बीजेपी कोई काम नहीं करती है सिवाय हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास करती है, चुनाव में विकास का नाम कोई काम नहीं किया है बीजेपी ने। सर, देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही जो है वो चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपको शुरू से पता है, 20-25 साल से मुलायम सिंह की, जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरी है तो वो इसी वजह से उभरी है क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात की है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही मतलब दोनों लोग एक ही रूप धारण करके सत्ता का प्रयोग करते हैं और वोटरों को रुझाने का काम करते हैं, और वो दोनों लोग ये किए हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पिछड़ों का, गरीबों का भला चाहती है, और शासन जो लैंड ऑर्डर बहुजन समाज पार्टी में रहा है वो ना बीजेपी में रहा है ना समाजवादी पार्टी में रहा है। सर, देखा जाए तो इन दिनों बसपा के कई नेता जो हैं वो सपा में शामिल हुए हैं, क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है चुनाव पर? ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव में, क्योंकि हमारी पार्टी बड़े साइलेंट रूप से अपने प्रत्याशियों के साथ काम कर रही है, और टोटल वोटर जो है वो बहुत साइलेंट वोट है हमारी पार्टी का, साइलेंट वोट, खामोशी से पूरी 100% पोलिंग होगी और हम लोग सत्ता में आएंगे, 250 सीट हमारी निकलेंगी। सर, विधायक बनने के बाद क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी, किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे, कुछ रोड मैप इसके लिए आपने तैयार किया है? नवाबगंज विधानसभा के अंदर कोई मिडिल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई रोडवेज नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, यहाँ के बच्चों के लिए कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जो बच्चे यहाँ पर खेल के बाहर अपना नाम रोशन करें, अपने विधानसभा का और अपने ज़िले का और प्रदेश का। सर, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, संपर्क साधन है, क्या लगता है किन समस्याओं से जनता जूझ रही है जो इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हो पाया, कौन कौन से वो काम है? मैंने बताया आपको, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है विकास की है, जैसे रोड हो गए, अपना पानी का निकास कहीं कुछ नहीं है, कोई मैंने कहा यहाँ रोडवेज नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो यहाँ बहुत समस्याएँ हैं, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ विधायक बनता हूँ तो यहाँ का जरी का उद्योग, जो यहाँ पर करीब 60% लोग जरी के व्यवसाय जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अगर मैं विधायक बनता हूँ, मेरी गवर्नमेंट बनती है, तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि यहाँ पर जरी का उद्योग लाया जाए ताकि यहाँ पर गरीब जनता के लिए विकास के रूप में जरी के माध्यम से लोगों की मदद हो पाए।
आखिरी सवाल है सर, नवाबगंज की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? मैं यही अपील करना चाहूँगा नवाबगंज की जनता से कि वो वोट करे बिना डरे, बिना झिझके, बहुजन समाज पार्टी की वोट करे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और 100% पोलिंग करने का प्रयास करे। और उसके साथ साथ मैं एक अपील और करूँगा, कोरोना का कालाकाल चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और मास्क का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो ये मोहम्मद यूसुफ है जिन्होंने साफ ये कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, नवाबगंज की जनता इनको विधायक बनाएगी और ये नवाबगंज के विकास के लिए काम करेंगे। बुर्जन बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।